फिल्म है और हलवाई को अपनी जलेबी हमारे अच्छी लगती है, तो जाहिर सी बात है आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक जो हमने मेहनत की है आई थिंक रंग लाई है, और आई थिंक जो लोग देखेंगे वो काफ़ी खुश होंगे। और मुझे पहले से कोई शक नहीं था कि जहाँ जूही जी, शबाना, रीश कन्नड़, दिव्या, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ हो, बहुत अच्छी फिल्म होगी, अच्छी फिल्म। शूट पर कुछ ऐसे अनुभव हैं तो वो शेयर करना चाहेंगे, कुछ ऐसे हुए हैं मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे जितने सीधे जूही के साथ थे तो काफ़ी अच्छा लगा कि एक बार मैं एक सीक्वेंस करना था, स्कूटर पर बैठा हूँ, पीछे जूही है, सामने एक बच्चा है और बारिश हो रही है ऊपर से, उसमें गिरते गिरते इतनी बार बचे अभी तक याद है मेरे को, वहाँ पर जूही मेरे को पिंच कर रही थी, अरे संभाल के अभी गिरेंगे अभी गिरेंगे। तो ऐसे काफ़ी किस्से हुए हमारे जो फिल्म में याद है। फिल्म के तो बताइए एग्जैक्टली क्या है, क्या संदेश देना चाहती है जनता को, जरा बताएंगे? आई थिंक जो संदेश देना चाहती है वो, आई थिंक जो लोग देखेंगे फिल्म को समझ जाएंगे, जैसे नाम बता रहा है चौक एंड डस्टर, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जहाँ जो हमारे टीचर्स हैं जो हमें इतनी एफर्ट से हमें बड़ा करते हैं, हमें सिखाते हैं, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के हों या कॉलेज के हों, आज तक हमें ना ही उनके नाम याद रहते हैं, या नाम याद रहते हैं तो ना कभी थैंक यू करते हैं। ताकि देखिए एक फाइन एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर, अभी भी अपने पहले टीचर को, अपने गुरु को हमेशा याद करते हैं। काश हम लोग भी इतना करें, जो हमारा उनका जो इनपुट रहता है हमें बनाने में, जो हम आज हैं वो हम नहीं भूलना चाहते। आपकी आने वाली कुछ फिल्में हैं जिसके बारे में? हाँ, मेरी फिल्म आ रही है एक संजय सूरी के साथ है, जिसका नाम है माई बर्थडे सॉन्ग, जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड आई होप लोग पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, फिल्म के बारे में बताइए, कैसी लगी फिल्म? बार बार देना चाहूँगा निर्माता निर्देशक और जिन्होंने भी अभिनय किया है, जूही जी, शबाना जी, जरीना वहाब जी, समीर सोनी साहब, बाकी भी जो लोग हैं, बहुत ही अहम फिल्म है। आज की फिल्म है जहाँ पर एजुकेशन को लेकर, जहाँ एजुकेशन धंधा बन चुका है, सो आई थिंक बहुत ही रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट फिल्म है विद द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। और एक फिल्म का डायलॉग है जहाँ पे द्रोणाचार्य और अर्जुन का के रिश्ते पर फोकस किया गया है कि आज टीचर्स जो है, टीचर्स बहुत निगलेक्टेड रहते हैं, उनका प्रोफेशन बहुत निगलेक्टेड रहता है, अंडरपेड हैं। सो एक माहौल डायरेक्टर ने क्रिएट किया है जहाँ पे अभी खुद मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने टीचर को मैसेज करूँ, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। सो एक आज का अर्जुन कहाँ, एक सवाल उठता है। सो द्रोणाचार्य तो है लेकिन आज के अर्जुन कहाँ है, मुझे अच्छी लगी फिल्म और मुबारकबाद सभी को। मेरी पिछले फ्राइडे को चौरंगा फिल्म रिलीज हुई है, तो उसमें भी बिजी हूँ, रिलीज का काम अभी चल रहा है प्रमोशन का। इसके बाद में आएगी जो समीर सोनी ने डायरेक्ट की है माई बर्थडे सॉन्ग, और ओनिर हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनकी फिल्म है शब, वो मैंने सिर्फ प्रोड्यूस की है, माई बर्थडे सॉन्ग में एक्ट कर रहा हूँ और प्रोड्यूस भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। फिल्म के बारे में बताइए, कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी लगी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन अ फिल्म व्हिच इज सो ट्रू एंड सो रियल। वी डोंट अप्रिशिएट आवर टीचर्स, पीपल हु हैव टॉट अस एवरीथिंग फ्रॉम ABCD, ऑल द नॉलेज दैट वी हैव टुडे, व्हाट वी आर टुडे इज बिकॉज़ ऑफ आवर एजुकेशन। एंड आई थिंक दिस फिल्म इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड अ ग्रेट थॉट बिहाइंड इट। What message actually you can get from this movie? Well, the message is respect your teachers, appreciate them. I think the teachers in our country have to be given a little more respect and acknowledgement. Okay. Can you tell some your upcoming projects? I'm not acting anymore. Okay, thanks. Thank you. Movie ke bare mein bataiye, kaise movie? Yeah, hi. I'm Ranjeev. She's Neetu. We are the writers of this film. We wrote this movie Chalk and Duster. Okay. What was the experience and actually what kind of movie? Yeah, हमारी तो अपनी फिल्म है और हमें तो बहुत अच्छी लग रही है, हमने लिखी है और रियल ऐसे बहुत सारी टीचर्स के ऐसे बहुत सारे जो किस्से हैं, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर्स के बारे में हमने कहने की कोशिश की। इट्स अ ट्रिब्यूट टू टीचर्स, तो मैं बस यही सबसे कहूँगा कि आप ये पिक्चर देखिए और अपने टीचर्स को याद करिए, वो प्राइमरी टीचर्स जो सेकेंडरी कॉलेज के जो खुद हमें बनाकर खुद एक गुमनाम सी जिंदगी जीकर चले जाते हैं।
So this is the core message you're going to give, audience can get. Yeah, definitely. Respect for our teachers. Teacher, respect your teacher. Yeah. Okay. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Yeah. Okay, चलिए रेखा जी के साथ बाइट्स. टीचर्स की बात करें तो हम लोग टीचर्स उनके हम लोग को लगता है कि एक ऐसे जो हमें पीटेगी या जो हमें पनिशमेंट देगी या जो हमें होमवर्क देती है, इससे ज़्यादा हम लोग कभी बहुत ज़्यादा टीचर के बारे में सोचते नहीं हैं. हमको लगता है टीचर हैं या उनका टीचिंग उनका काम है, लेकिन इस फिल्म के बाद ये लगा कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग होते हैं. उनकी अपनी कितनी परेशानियाँ होती हैं, उनके कितने चैलेंजेस होते हैं, उनकी लाइफ में कितनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो अपने प्रोफेशन में आते हैं, जब वो क्लास में आते हैं, तो पूरी तरह से किस तरह से पढ़ाते हैं, अपने फ़र्ज को निभाते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो देश के लिए देश को गढ़ते हैं. यानी जो भी फ्यूचर होता है, जितने भी जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, बिना स्कूल से पढ़े या बिना कॉलेज के या बिना कोर्स किए तो कोई भी बड़ी जगह पे नहीं पहुंच सकता. तो आज देश में मतलब जितनी भी तरक्की होती है या जितना भी डेवलपमेंट होता है, उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन कभी भी उस तरह से टीचर्स को रिस्पेक्ट तो मतलब हाँ ठीक है, रिस्पेक्ट तो फिर भी है, लेकिन एक होता है ना एक सच्चा रिस्पेक्ट. सच्चा रिस्पेक्ट सिर्फ हेलो गुड मॉर्निंग या वो बोलने से नहीं होता, कि वो जो काम कर रही है उसके लिए लोगों का एहसास. और ये फिल्म सिर्फ ऐसे नहीं है कि प्रीचिंग है, इसमें बहुत एंटरटेनमेंट भी है. और जो 10 सवाल हैं वो तो वाकई ऐसे हैं कि उसमें मतलब मैं ज़्यादा फिल्म का राज नहीं खोलूँगी, लेकिन वो ऐसी चीज़ें हैं कि आप इन्जॉय भी करेंगे और आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी, और टीचरों के लिए आपका एक नज़रिया भी बदलेगा. तो अपने टीचर्स को प्यार करिए और अपने टीचर्स को याद करिए. थैंक यू.